Recording in progress. देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास तक हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम इश्यू ऑफ शेयर करेंगे। आप सभी जानते हैं, अगर हम इश्यू ऑफ शेयर को वाइडली चैप्टर करें, मतलब डेप्थ में चैप्टर करें, तो कम से कम 20 से 25 दिन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, रिविजन में ना तो हमारे पास इतना टाइम है और ना ही हम उस तरीके से कर सकते हैं। अगेन मैं दोबारा से एक बात कहना चाहूंगा कि पहले जो क्लासेस हैं, जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, वो आप अपने आप घर पे पढ़ लें। दूसरी बात ये, आपको पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो मेरी नज़रों में या किसी की भी नज़रों में शेयर है। जानते हो कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इसके मार्क्स जो हैं वो उन्होंने अनाउंस कर रखे हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, If I'm talking about admission of a partner, कितने नंबर का आएगा, we don't know। अगर हम बात करें goodwill की या fundamental की, तो हम जानते नहीं कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, है ना, कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा वो। लेकिन अगर मैं बात करूँ थर्ड बुक में जो आपका चैप्टर है रेशो एनालाइज वगैरह, उनका भी सेपरेट नहीं बताया हुआ उन्होंने सीबीएसई ने कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि शेयर जो है 12 मार्क्स का आएगा, तो यही इसको सबसे ज्यादा खास बनाता है। और इसीलिए नहीं कि 12 मार्क्स उन्होंने बता दिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि 12 मार्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट का कारण भी यही है, क्योंकि मैक्सिमम जो वेटेड होगा वो भी इसी का ही है, शेयर्स का। तो दूसरा रीजन ये है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे अगर 12 मार्क्स का रहा, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15। तो आप समझ सकते हो कि 55 क्वेश्चन आएंगे आपके अकाउंटेंसी में, जिसमें से 15 आपके शेयर्स की होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना मेजर पार्ट शेयर कवर करेगा, ठीक है जी। दूसरी बात, ये यहाँ पर इसमें इतनी डेप्थ थ्योरी है, इसमें दोनों पोर्शन है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट कवर करने हैं आपने। मैं जैसे ही कहता हूँ कि एटलीस्ट 12 मार्क्स का है, और 12 मार्क्स में से अगर आपको 6 या 7 नंबर भी लेकर आने हैं, मतलब पहला एडवाइस तो मेरी यही होती है कि 12 में से 12 क्यों ना लाएं। लेकिन फिर भी हर तरह का बच्चा होता है, तो आप शेयर का नाम सुन के ही डर जाते हो, तो इट इज नॉट फेयर। आपको क्या करना चाहिए कि इसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए। देखो, थ्योरी टिपिकल जरूर लगेगी, लेकिन एक ऐसा भी लगेगा बहुत ज्यादा थ्योरी है। लेकिन आप यकीन मानिए, जितने भी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा आपको या आप बुक में से पढ़ेंगे, जितने मैंने हाईलाइट किया करा रखा है, क्वेश्चन उन्हीं में से मिल जाएंगे। तो दिक्कत जब होती है या डरना जब चाहिए, जब कोई चीज अनलिमिटेड हो। अगर इफ आई एम टॉकिंग कि आप बहुत ज्यादा 10 मैं कह दूं आपको कि आपको अनलिमिटेड थ्योरी पढ़नी है, तो वो कुछ फेयर नहीं रहने का। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको 15 पेज पढ़ लो, तो ये हम कर सकते हैं इजीली। 15 पेज ही तो पढ़ने हैं या 15 पेज ही तो याद करने हैं, इट इज अ लिमिटेड। तो लिमिटेड पार्ट पढ़ ही कितना भी हो संख्या में, उसको किया जा सकता है, और आई होप आप करेंगे। दूसरी बात, आपको ये भी समझनी चाहिए कि न्यूमेरिकल भी ये 2 कैटेगरी में है। इसमें वैसे न्यूमेरिकल 3 कैटेगरी में होते हैं, सिंपल, एवरेज और टिपिकल टाइप, ठीक है, जहां जिनको हम टफ बोलते हैं। तो अगर उसी की बात, तो चलो मैं तीनों पैटर्न ही मान लेता हूँ, तो आप कि मैं क्या दिक्कत है अगर आप सिंपल तो सभी कर लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या है, इस चीज की जर्नल एंट्री क्या डलेगी। अगर मैं आपको बोल दूं एप्लीकेशन इतने रुपए का है, अलॉटमेंट इतने रुपए का है, और बैलेंस ऑन फाइनल गोल, तो और ये टोटल 10 रुपए का था, ये 3 रुपए का था, ये 2 का था, तो ये कितने का बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। तो क्या दिक्कत है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, तो नाम देखकर, चैप्टर की लेंथ को देखकर कि बहुत बड़ा चैप्टर है, आप उसको ना करें, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूंगा जो मैंने सारी बातें आपको कही हैं अभी तक, कि आप इसके चैप्टर को नाम को देखकर, इसके अंदर क्या क्या था उसको ना देखकर आप डरो मत, ठीक है। क्योंकि
किसी भी, जब 12 मार्क्स का आएगा या 15 क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो ऐसा नहीं होगा, 15 के 15 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप नहीं कर सकते हैं। इनमें टिपिकली मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको टफ लगेंगे, जो हर बच्चा नहीं कर पाएगा, अदरवाइज ऑल क्वेश्चन जो भी बचेंगे वो बहुत ठीक लेवल के होंगे, आसान लेवल के होंगे, जिसको जिसने थोड़ा भी पढ़ा है वो उसको कर सकता है। लास्ट बात मोटिवेशन के लिए, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि चैप्टर को करने के लिए मेरे पास और आपके पास 20-25 दिन नहीं है। एज यू नो आज क्या तारीख होगी, 15 नवंबर, राइट? 15 नवंबर जी का, 15 नवंबर आज हो गई है, और आप जानते हैं 3 दिसंबर से आपका पेपर है, तो ये तो हमारे पास 20 दिन भी नहीं है। तो हम इसका रिवीजन कैसे करेंगे, या मैं रिवीजन कैसे कराऊंगा? देखो सब कुछ काम मैं नहीं कर सकता इस चैप्टर में, आपको खुद भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं आपको रिवीजन में जितने भी क्लासेस दूंगा उनमें हमारी ब्रेक होगा, उनके बीच में एक तो होगा थ्योरी क्लास, ठीक है ना, और एक होगा न्यूमेरिकल पार्ट का। तो मेरा बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट जो है, मेरा जो मेथड कह रहा है, मेरा जो मन कह रहा, वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से भी बहुत ज्यादा है, इफ आई एम टॉकिंग इश्यू ऑफ शेयर, राइट? तो मैं आपको थ्योरी तो बहुत अच्छे से करा ही दूं ताकि आप शेयर थ्योरी ना छोड़कर आए। न्यूमेरिकल की बात करी तो जितना नेसेसरी होगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा, मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, लेकिन इसकी मैं कहना चाहूंगा कि इसकी आप साइड से, अलग से, खुद से, रिवीजन नोट से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जो हमने पहले किए थे उनसे खुद भी प्रैक्टिस करें। गॉट इट? अब बात करते हैं, बस इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं थ्योरी से, ठीक है बेटा? तो आप उस चैप्टर को बहुत बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ पाओगे, 15 के 15 क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे कि शेयर तो मुझे आता ही नहीं, शेयर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया, अगर थ्योरी भी है ज्यादा है ये बात मैं भी मान लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा है कि हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं। हर चीज जब तक लिमिटेड है तब आप, तब तक आप उस काम को कर सकते हो। एक मन में थीम बनानी है, यस आई कैन डू, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इश्यू, चैप्टर का नाम है बेटा इश्यू ऑफ शेयर। आप सभी जानते हैं इश्यू ऑफ शेयर, सॉरी मैं इसको बाद में, इश्यू ऑफ शेयर को चैप्टर का नाम जो बुक में मेंशन किया करते हैं वो करते हैं शेयर कैपिटल, राइट? शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल जो होती है आपकी, मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल होती है रेज होती है, राइज होती है बाय इश्यू ऑफ शेयर, बाय इश्यू ऑफ शेयर। अब क्योंकि आपने चैप्टर पहले से ही किया हुआ है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो आप थोड़ा शॉर्टकट में समझते रहना। शेयर कैपिटल कहाँ से आती है? कैपिटल है, कैपिटल एक पार्ट है, आप समझते हो कैपिटल क्या है, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो शेयर कैपिटल कब बनती है? जब आप शेयर को इश्यू करते हैं, शेयर को इश्यू करने से जो पैसा रिसीव होगा उससे जो कैपिटल बनेगी, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो आप इतनी, ये सब बीच में जो बातें थी वो सब पहले हम कर चुके हैं, राइट? उसको मैं इग्नोर करूंगा कि ये कैसे बनती है ना। तो ये सबसे पहला पार्ट हो गया कि शेयर कैपिटल जो बनती है बाय द इश्यू ऑफ शेयर, शेयर को इश्यू करने से हमारी शेयर कैपिटल बनती है, ये बात आपको सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है जी? यहाँ तक आगे चलते हैं। अब बात आती है इस शेयर, जब हमने शेयर कैपिटल की बात कर ही ली है और कैपिटल वर्ड की बात कर ही ली है, या हमने शेयर्स की बात कर ली है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, आपको मैपिंग होनी चाहिए, माइंड मैपिंग। माइक बंद कर लो सभी अपना। यहाँ पर भी हमारे मन में माइंड मैपिंग होनी चाहिए कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कैपिटल, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल इन द चैप्टर ऑफ, इन द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल। माइक बंद करिए बेटा सभी, किसी के यहाँ से नॉइस आ रहा हो, दिक्कत हो रही है, तो माइक बंद कर दीजिए। सबसे पहला जो होता है बेटा वो होता है ऑथराइज कैपिटल।
ये ऑथराइज कैपिटल नंबर एक की होती है, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको सब पता होना चाहिए। कोई बच्चा बता सकता है कि ऑथराइज कैपिटल का नाम और क्या है, और क्या बोलते हैं इसको, ऑथराइज कैपिटल को? नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। वेरी गुड। नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर कैपिटल, तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं मीनिंग बता देता हूं, नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे रजिस्टर कैपिटल से जो कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है, जिस टाइम पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वहां पर उसको अपनी एक मैक्सिमम लिमिट बतानी होती है कैपिटल की, कि हमारा बिजनेस किस मैक्सिमम लिमिट तक हम कर सकते हैं, कितने पैसे से हम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, राइट। दूसरा वर्ड आता है बेटा आपका यहीं से, एग्जाम्पल साथ साथ लेके चलेंगे। लेट अस सपोज, मैं बहुत कम अमाउंट लूंगा ताकि आप समझने में आसानी रहे। हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपये, ध्यान रखना शेयर नहीं बोला मैं, 10,000 रुपये की ऑथराइज कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, कि हमने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपये से कराया, कि हम 10,000 रुपये से ऊपर बिजनेस नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन कभी कभी बच्चे करते हैं, क्या सर ये चेंज नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन उसको चेंज कराना पड़ेगा, तो वो बात का मैटर है। फिलहाल के लिए आपको समझना है कि ऑथर नॉमिनल कैपिटल जो होती है हमारी, वो रजिस्टर्ड कैपिटल के लिए हमारी 10,000 है, हमने बता दिया। और ये शेयर्स में टूटी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू नो। एंड आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, 10 रुपए वाला शेयर होगा, 100 रुपए वाला शेयर होगा, 1,000 वाला शेयर होगा, जो वट एवर। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने एज्यूम कर लिया कि हमने एज्यूम कर लिया कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे मेरे पास, कोई बता सकता है? नंबर ऑफ शेयर होंगे 1,000, नहीं बता सकते थे आप ये बात? 1 लाख के नहीं जी, 1,000 नंबर ऑफ शेयर, 1,000। यहां पर ध्यान दो सभी, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर? जितना भी आपकी कैपिटल थी वो डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इससे आएगा हमेशा नंबर ऑफ शेयर। क्लियर? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यहां पर आपको यहां तक याद रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी इन्वॉल्व होंगे और बताने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पूछूं ऑथराइज कैपिटल कितनी है इस क्वेश्चन में? 10,000 10,000 10,000 वेरी गुड। अगर मैं पूछूं कि ऑथराइज कैपिटल इन फॉर्म ऑफ शेयर, यानी कि शेयर ऑथराइज कितने हैं? एक 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 हजार हजार वेरी गुड। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए अब। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि वो कौन सी फॉर्म में पूछ रहा है आपसे, रुपीस की कैपिटल की फॉर्म में या फिर शेयर्स की फॉर्म में। तो यहाँ रखना, जब रुपीस होता है तो रुपीस का साइन लगा होगा, शेयर होगा तो रुपीस का साइन नहीं लगा होगा, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर बेटा? तो अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इश्यूड कैपिटल की। यहाँ पर भी बहुत बारीक ध्यान देना। इश्यूड कैपिटल वो पार्ट है जितनी कैपिटल हमने लोगों को क्या करी, इनवाइट किया है। हमने, मेरे पास 1,000 शेयर है, तो मैं 1,000 के 1,000 शेयर पहले मैं नाम दे देता हूँ, इश्यूड कैपिटल। तो आपको ये सब वही बेसिक पता है, मैं डेप्थ में नहीं पढ़ा सकता। इश्यूड कैपिटल का मीनिंग आप समझते हैं, जितने शेयर मैं लोगों को इन्वाइट करने के लिए निर्गमित कर दूं, दैट मीन्स इश्यू कर दूं। तो मेरे पास ऑप्शन है, क्या मैं 1,000 भी शेयर इश्यू कर सकता हूं, हाँ या ना? सॉरी गलत लिखा, 1,000 शेयर भी मैं इश्यू कर सकता हूं, और 999 भी मैं इश्यू कर सकता हूं, 900 भी कर सकता हूं, राइट, कर सकता हूं या ना? 800 हाँ लेकिन जी क्या मैं, हाँ वही मतलब है, 1,000 और लेस देन 1,000 वी कैन इश्यू, बट कैन वी
इश्यू 1100, दैट मींस 1100, यस और नो? नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। ये हम इश्यू नहीं कर सकते, माइक बंद कर लो, ये हम इश्यू नहीं कर सकते। तो इससे हमारा एक सार बना कि जो इश्यूड कैपिटल है बेटा वो मे बी इक्वल टू द ऑथराइज कैपिटल और लेस देन टू द ऑथराइज कैपिटल बट नॉट मोर देन द ऑथराइज कैपिटल। गॉट इट? मैं हिंदी में बोल देता हूँ yes, कि इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात भी आप याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। तीसरी जो आपकी कैपिटल आती है वो आती है बेटा आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया इनवाइट करना, और इनवाइट वर्ड से ही मीनिंग ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपके यहां पर शादी है, आपने 1000 कार्ड छपवाए। आपने जब 1000 कार्ड छपवाए तो वहां पर आपने लोगों को इनवाइट किया होगा, हाँ या ना? 1000 लोगों के घर गए होंगे, तो वहां पर क्या हो सकता है कि 1000 लोग आपके यहाँ शादी में आ जाएं, हो सकता है 1000 से कम आ जाएं, और हो सकता है 1000 से ज्यादा भी आ जाएं, हाँ या ना? पॉसिबिलिटी पूरी पूरी बनी हुई है। तो ऐसे ही सब्सक्राइब कैपिटल होती है। हमने तो इनवाइट ही तो किया था लोगों को कि जैसे रिलायंस के शेयर बिक रहे हैं, तो शेयर इश्यू किए हैं, तो रिलायंस क्या करेगी, एडवर्टीज डालेगी न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन ऐप में, या फिर कैसे भी, व्हाटएवर, डजंट मैटर। लेकिन लोग इंटरेस्टेड हो गए। अब लोगों ने एप्लीकेशन भर के भेज दिए कंपनी को, तो वहां पर उस पर्टिकुलर बंदे को थोड़ी पता है कि ये शेयर 1000 थे और 1000 की डिमांड तो पहले आ चुकी, राइट? वो तो अपने हिसाब से करेगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल में ध्यान रखना, ये वो वाला पार्ट है जितने लोग क्या कर लें, शेयर को सब्सक्राइब कर लें। बस इसमें इतना ही है बताने के लिए, आप समझ चुके होंगे, जितने भी लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी? हाँ जी। आगे चलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद हमारा क्वेश्चन आता है, मैं इसको सब्सक्राइब कैपिटल को डेप्थ में जान के नहीं बताया क्योंकि आगे रिपीट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट होता है बेटा कोल्ड अप कैपिटल। क्या होता है कोल्ड अप? कोल्ड कैपिटल, जी हाँ, कोल्ड अप कैपिटल। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो कोल्ड अप कैपिटल होती है, अभी हमने अपने एग्जांपल में अभी हमने क्या बात की थी मेरे बच्चों, कि हमने 1000 शेयर कितने बेटा, 1000, हाँ जी, हमने जो है 1000 शेयर क्या किए थे बेटा, इश्यू किए थे। 1000 शेयर हमने इश्यू किए थे। अच्छा कोई बता सकता है कितने वाले इश्यू किए थे? 10 वाले। ठीक है, 1000 शेयर इश्यू किए थे एट 10 रुपीज। अब जो हमने 1000 शेयर इश्यू किए थे 10 रुपए वाले, यहाँ पर आपको नोटिस करना होगा कि जब हमने मान के चलते हैं कि यहाँ पर लोगों ने सब्सक्राइब भी 1000 कर लिए, मैं मान लेता हूँ सब्सक्राइब भी कितने कर लिए, एक हजार। यहाँ पर एक बात होती है मेरे बच्चों कि जो आपकी ये 10 रुपए होते हैं, कंपनी इनको भी पार्ट में तोड़ लेती है, आपको पता है ऑलरेडी, यस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, यस यस। तो इनमें कंपनी क्या कर लेती है बेटा, कंपनी इनको क्या कर लेती है, तोड़ लेती है। तो बेटा जब से तोड़ लिया, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम कि एप्लीकेशन 3 रुपए का था, ये 2 रुपए का था, ये भी 2 का, ये भी 3 का था, और ये भी 2 का था, तो हमारे 10 रुपए पूरे हो गए, हाँ है ना? अब कंपनी ने इन में से जितने रुपए मांग लिए, मान लीजिए फर्स्ट कॉल तक रुपए मांग लिए, फर्स्ट कॉल तक डिमांड कर दी, एप्लीकेशन की डिमांड कर दी, अलॉटमेंट की डिमांड कर दी, और फर्स्ट कॉल की डिमांड कर दी, तो यहाँ पर कोल्ड अप कैपिटल कितना होगा, कितना होगा बेटा? वेरी गुड, कितना? 8 रुपए। 8 रुपए कोल्ड अप कैपिटल होगी, 8000 × 1000, राइट? तो 8000 की हमारी कोल्ड अप कैपिटल होगी। तो जितना भी कंपनी ने डिमांड कर ली पैसे की, वो हमारी कोल्ड अप कैपिटल होती है। कोल्ड अप कैपिटल भी पूरी हो सकती है, इक्वल हो सकती है इश्यूड कैपिटल की।
लेकिन हमारे समाज में लोग हर तरीके के हैं, राइट। तो उससे एक बात बनकर चल बनती है हमारे यहाँ पर क्या कि पिंड अप क्या बेटा, अब हमारे यहाँ लोग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब कंपनी ने रुपए मांग लिए, कितने बेटा 8 रुपए, कंपनी ने 8 रुपए मांग लिए, कंपनी के पास 8,000 रुपए आ जाने चाहिए थे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं वे सारे पैसा पेड कर दे? नहीं कर सकते ना, कुछ लोग नहीं भी कर सकते। तो उसको हम बोलते हैं, या कर भी सकते हैं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है पेड अप कैपिटल का मतलब हमेशा ही कोल सिनेरियो होगा, नहीं जी। मेरा मतलब ये है कि पेड अप कैपिटल में डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन जितने भी लोगों ने पेड अप कर दिए, जैसे हमने 8 रुपए मांगे बेटा, 8 के 8 पेड कर दिए, तो पेड अप कैपिटल भी 8,000 रुपए जाएगी। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर था, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो क्या माइनस कर देंगे हम यहाँ से? कॉल्स इन अरी, कॉल्स इन एरियर। अगर हम ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? पेड अप कैपिटल, हाँ या ना? कुल मिला के जितने लोगों ने पैसा दे दिया वो हमारी पेड अप कैपिटल हो जाती है। तो कैपिटल का फंडा इतना है। मैं चाहता हूं कि आप इसको जब वीडियो देखेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसको रीड करेंगे और वीडियो को सुनेंगे अगेन एंड अगेन, जब तक कि आपकी मेमोरी का फिक्स पार्ट ना बन जाए। डू यू नो यू हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी? पता है? नहीं है, जब बोलना होता है जब आप लोग बोलते हैं। यस सर। मेमोरी 2 तरीके होती है ना, जैसे कि मेमोरी भी होती है कंप्यूटर में। एक तो ऐसी पार्ट होती है रिसीव किया और डाटा उड़ गया, एक होता है डाटा रिसीव किया और वो हार्ड डिस्क में सेव हो गया लंबे टाइम तक मेमोरी में। यस, तो अगर आपको वो करना है तो आपको बार बार उस चीज को पढ़ना होता है, सुनना होता है, ठीक है? तो वो तरीका है। खैर, शेयर की बात आ जाती है। तो कैपिटल का पार्ट तो समझ लिया हमने, जैसे चैप्टर का नाम था बेटा यहाँ पर शेयर कैपिटल, तो कैपिटल तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं शेयर्स की। तो आप सभी समझते हैं शेयर्स, आपको सबको याद भी होगा, है ना? क्या शेयर जो है बेटा वे आपके, शेयर्स जो है बेटा आपके वो 2 तरीके हैं इसमें, आया ना? यस सर। इसमें चैप्टर में 2 तरीके शेयर्स हैं आपके पास, इक्विटी और प्रेफरेंस। वेरी गुड। एक तो होते हैं बेटा इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ, मैं नोट कर देता हूँ तो आपकी आपको याद रहे। नोट, लर्न डिफरेंस बिटवीन इक्विटी and preferential from your book, book में से। ये आज के आज अभी के अभी जाके याद जरूर करेंगे, जितना मैं oral बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं। इसमें एक फिक्स रेट लगी होती है यहाँ पे परसेंटेज में, इसका मतलब होता है इसको डिविडेंड में इतना क्या होता है बेटा प्रिफरेंस होता है, कितना उनको डिविडेंड पहले मिलेगा। इक्विटी ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल मालिक कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं कंपनी के, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट होता है। ये आप याद रखना इस बात को भी, इनके पास क्या होता है बेटा वोटिंग राइट होता है। लेकिन क्या प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट होता है? जी नहीं। हाँ जी, इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, ये मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद की बात होती है कि और क्या बताऊं मैं इसमें, इक्विटी शेयर का तो कोई टाइप नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप्स आप पूरी क्लासिफिकेशन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली। देखो, जो टाइप्स होते हैं यूं तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से जो पढ़ना है पेपर के एग्जाम के हिसाब से, तो वो आप इसमें टाइप्स में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो इनका बेस है डिफरेंस होता है वो बेटा होते हैं आपके, देखो हम तो ऑन द बेसिस ऑफ एरियर करेंगे, एरियर समझते हो ना, पिछला बकाया, एरियर ऑफ डिविडेंड। पहला तरीका क्या है मेरे बच्चों? एरियर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड,
तो इसके आधार पर हमारे पास शेयर होल्डर, याद रखना हमेशा, दो तरीके के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है हमारा कॉम्युलेटिव, और दूसरे होते हैं बेटा नॉन कॉम्युलेटिव, क्यूमुलेटिव। नाम से याद हो सकता है आपका अगर आप चाहें तो, पहला तो क्यूमुलेटिव और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। इसका मतलब होता है एक्यूमुलेटेड, जो एक्यूमुलेटेड होता है ना, जो पिछला जुड़ा आता है। तो यहां पर बेस इन्होंने बनाया एरियर्स ऑफ डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड को बेस बना दिया। यानी कि अगर पिछला बकाया एरियर्स है तो डिविडेंड का, तो वो इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस तरीके के कितने होते हैं बेटा, दो तरीके के होते हैं, एक तो क्यूमुलेटिव और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, पहले अगर मैं बात करूं क्यूमुलेटिव की, तो इनको राइट होता है, किनको, क्यूमुलेटिव को, क्यूमुलेटिव को राइट होता है, क्यूमुलेटिव को राइट होता है रिसीव करने का, क्या रिसीव करने का मेरे बच्चों, डिविडेंड, जो पिछला बकाया का एरिया है। जैसे कि पिछले साल का कोई एरियर डिविडेंड बचा हुआ है और इनको नहीं मिला था, तो क्यूमुलेटिव को पहले मिलेगा और नॉन क्यूमुलेटिव को नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात, बोल दो, क्लियर होगी क्या? यस सर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के आधार पे प्रॉफिट इनको कैसे मिलेगा, उसके आधार पे बांट दी, उसके आधार पे भी। अभी आप फ्लो चार्ट बनाना बहुत अच्छे से, बिना देखिए देख के, पहले देखकर फिर बिना देखकर, जब याद होंगी। शेयर के आधार पर दो तरीके के होते हैं, सॉरी, शेयर प्रॉफिट के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक तो पार्टिसिपेटिंग और एक नॉन पार्टिसिपेटिंग। एक तो होता है बेटा पार्टिसिपेटिंग, और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है जी, ये कैसे होते हैं, इनका भी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जैसे कि हमने बताया कि कभी कभी क्या हो जाता है पार्टिसिपेटिंग को, कि ऐसा होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, इसका एक एग्जांपल ऐसे मान के चलिए, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जब ज्यादा समझ में आएगा आपको। कैसे, एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई प्रॉफिट इतना है, मान ऐसे मान लो, ये ऐसे ज्यादा समझ में आ जाएगा, एक सेकंड, इसको ऐसे मान के चलिए, ये आप, ये बेटा माइक बंद कर दो, जिसके हंसी नॉइज है ये आपने आप कर दिया, तो आप बड़े बच्चों को, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। चलिए जी, ये पार्ट देखिए, ये प्रॉफिट हुआ, मान लो ये प्रॉफिट हुआ पूरी कंपनी में, पूरा प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको क्या बताया बेटा, इस प्रॉफिट में पहला हिस्सा किसे मिलेगा बताओ, किसको मिलेगा भाई, इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर, लो जी, ऐसे काम ना करे खुशी, हिम्मत टूट सर एकदम, कोई बात नहीं, ये प्रेफरेंस वालों को दे दिया जी, लो आप खुश हो, लो जितना भी प्रॉफिट हुआ उनमें से हमने क्या दे दिया बेटा, पहले प्रेफरेंस वालों को दे दिया, खुश रहो, थारे बाल बच्चे जी में उनके लिए चिट्ठी लिखे हुए हैं, फीस जमा कर दो। खैर ये तो मजाक था, आगे चलते हैं। ये बैलेंस जो प्रॉफिट बचा ये वाला, ये किसका होना चाहिए बच्चों, ये किसका प्रॉफिट होना चाहिए जो बच रहा है बताओ, मतलब जो इक्विटी, बिल्कुल बिल्कुल, ये इक्विटी का होना चाहिए। जैसे हम इसको बांटने चले प्रॉफिट को इक्विटी में, तो हमने पाया कि इक्विटी को देने के बाद भी हमारा प्रॉफिट बच गया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कुछ हमारे शाही प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी कोई प्रॉफिट बच जाए, जैसे ये बच रहा हुआ दिखाई दे रहा, ये बच गया, तो ये भी किसको मिलेगा बच्चा,
ये भी किसको मिलेगा? प्रेफरेंस डिफरेंस शेयर वाले को। किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर वाले को। डिफरेंस हाँ जी, तो वे कौन से प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं? वे कहलाते हैं पार्टिसिपेटिंग, और जिनको ऐसा राइट नहीं होता वे कहलाते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्लियर होगी होगी पॉइंट? यस सर। देखो कितना अच्छा एग्जांपल से समझाया मैंने, थोड़ा टाइम लिया, ये एग्जांपल कैसे दूं लेकिन मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। एक बेसिस होता है आपका कन्वर्ट, बस कन्वर्ट से याद रखना, बहुत आसान है। दो तरीके के होते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने की। दो तरीके होते हैं, एक तो फुल्ली कन्वर्टेबल, एक नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मीन्स, दूसरा है बेटा नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल, राइटिंग तो समझ में आ जाएगी। कन्वर्टेबल ऐसे जिनको उनका टाइम पूरा होने के बाद हम उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल, जिनको नहीं किया जा सकता वो नॉन कन्वर्टेबल। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आता है आपका डी पार्ट और लास्ट, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन होता है शोधन, हिंदी में मीनिंग होता है शोधन का मतलब होता है भुगतान, भुगतान का मतलब होता है पेमेंट की बात। तो ये क्या कह रहे, कुछ शेयर होल्डर, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे ऐसे होते हैं बेटा, कैसे? दो तरीके के होते हैं, एक तो रिडेमेबल और दूसरे इररिडेमेबल। कौन कौन से? रिडेमेबल, रिडेमेबल और दूसरे होते हैं इररिडेमेबल। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो शोधनीय है, जिनका भुगतान किया जा सकता है, जिनकी पेमेंट की जा सकती है, ये तो रिडीमेबल। और जिनकी भुगतान नहीं किया जा सकता, जिनका रिडीमेबल नहीं हो सकता, वे कौन से होंगे? इररिडीमेबल। हालांकि अब सारे ही रिडीमेबल होते हैं लेकिन कैटेगरी है थ्योरेटिकल, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो ये ऐसे शेयर होते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। बस ये टाइप के प्रेफरेंस शेयर है, और एक क्वेश्चन बनेगा जिनमें से आपको पूरे ए बी सी और डी ये आपको टाइप पढ़ने हैं जरूर, ठीक है? क्लियर होगी? अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा मेहनत में सिर्फ ये दो हैं, पहला और दूसरा। एक तो एरियर ऑफ डिविडेंड के आधार पे कॉम्युलेटिव नॉन कॉम्युलेटिव, और दूसरा होता है शेयर कौन सा आधार पे? शेयर इन प्रॉफिट। इनकी डेफिनेशन याद करना अंदर जाके बुक में, तभी क्योंकि आपसे क्यों आएगा तो वो आपको डेफिनेशन ही पूछेगा और बताएगा विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस है, फिर आपसे पूछेगा ये किस टाइप के हैं। तो इनकी सबकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना एक एक बार, याद नहीं करनी, दो तीन बार पढ़ लेना बस, अपने आप समझ में आ जाएगा मीनिंग, क्योंकि मैंने समझा दिया। तो ये बात होगी किसकी बेटा? प्रेफरेंस शेयर की। आपके प्रेफरेंस शेयर किस टाइप के होते हैं, शेयर किस टाइप के होते हैं, क्लियर होगी बात? कैपिटल की बात कर दी हमने, क्लियर? ये मीटिंग आउट होने वाली है इसलिए हम एक नई वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इसको यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।